हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए गेम प्ले वीडियो हिटमैन 2 में। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा भाई कि हम यार आए हुए थे मियामी शहर में, और यहाँ पे यार हमने दो टारगेट मिला था अपने को, एक तो सारा नॉक्स और दूसरा उसके पिताजी रॉबर्ट नॉक्स। तो रेसर गर्ल को हमने तो यार लास्ट पार्ट में ख़त्म कर दिया। तो अगर यार वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो यार डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। अब यार हम अपने यार सेकंड टारगेट पर बढ़ रहे हैं उसके पिताजी रॉबर्ट नॉक्स की तरफ। तो पहला टारगेट तो हमने यार एलिमिनेट कर दिया है, अब दूसरे टारगेट की तरफ हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। अभी कोई क्लू नहीं हाथ लगी है भाई कि कैसे हम यार उन्हें मारेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ यार पता चल सकता है। तो ओके गाइस, ये बंदे के पास कुछ तो जानकारी है रॉबर्ट नॉक्स के बारे में, तो इसी से हमें यार कुछ पता चल सकता है। तो देखते हैं यार, इसके बगल में बैठेंगे तो इसको यार हम पे डाउट हो जाएगा। तो ओके गाइस, ये दोनों यार लड़के लड़की आपस में कुछ बात कर रहे हैं, सुनते हैं इनकी बातें ध्यान से। It seems Robert Knox paid several visits to a Bayside area food stand yesterday. The vendor, known as Florida Man, sells extremely addictive food, so we should expect Knox to return. तो okay guys, मुझे यार यहाँ का कुछ सीन समझ में आ गया है। एक बंदे का नाम यार फ्लोरिडा मैन है, जिसकी ये शॉप है। अभी ये गया हुआ मछली मारने, गोन फिशिंग का बोर्ड लगा के। तो हमें यार इस बंदे को ढूंढना होगा। इसने मतलब ऐसे ही ये स्टॉल लगाता है, और इसका यार खाने इतने अच्छे होते हैं कि यार मतलब एडिक्टिव फूड, जैसे कि आप लोगों ने अभी स्टोरी में देखा। तो यहाँ पे यार रॉबर्ट नॉक्स आता है खाने, तो यार इसी बंदे को ढूंढना पड़ेगा। और इसका यार अपने को यार मतलब पहले इसको ढूंढना है, उसके बाद साथ से देखे उसको मारना पड़ेगा, और यार अपने को यार उसकी जगह लेके यार वही दुकान खोलनी होगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो भाई इस तरफ ही हो सकता है वो बंदा, क्योंकि यही एक अच्छी जगह है फिशिंग की। तो शायद से यही है बंदा जैसा कि फ़ोटो में दिख रहा था। ओके गाइस, तो यार यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया भाई, यही है बंदा। अब इसको यार एलिमिनेट करना होगा, तो इसके पीछे तो यार खड़े नहीं हो सकते ज़्यादा देर तक, और ये अच्छी सेफ जगह भी नहीं है भाई एलिमिनेट करने की, क्योंकि यार काफ़ी लोग की भीड़ है और ये किसी से बात कर रहा फ़ोन पर। ये भी कुछ यार डरा सा लग रहा मुझे, और यहाँ पर यार एक पुलिस वाला भी आ गया, तो थोड़ी दिक्कत होगी हमें यार, थोड़ी देर वेट करना होगा जब तक ये पुलिस वाला चला ना जाए। तो ओके गाइस, यार अभी यार पुलिस वाला जा चुका है, और यार ये परफेक्ट टाइमिंग है यार इसको एलिमिनेट करने का। तो अभी यार अपने को यार इसका मतलब पूरा कपड़ा, इसका सूट बूट सब आपको अपने को ले लेना है, और एकदम इसी के गेटअप में जाना है। तो ओके गाइस, मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूँ यहाँ पे। और अभी यार गला में तड़प रहा भाई, ले गला भी तोड़ दिया। अब इसका यार फटाफट से यार कपड़ा पहन लेते हैं। ओके गाइस, तो इसके पास कुछ पड़ा था यार, यार एक की कुछ पड़ा हुआ है, देखेंगे उसका यार क्या काम पड़ेगा। अब मैं इसकी बॉडी यार डंप कर देता हूँ, जिससे यार किसी को पता भी ना चले। ओके गाइस, तो अपने पास यार जो फूड वेंडर की है, इससे यार उसके स्टॉल जो मतलब इसके जो ठेले हैं भाई, उसको हम यार ओपन कर सकते हैं। तो ओके गाइस, यार हमें यार चाबी मिल गई है इसकी दुकान की, तो यहाँ से निकलते हैं भाई। तो अभी यार अपने को यार जहर ढूंढना होगा, रेड पॉइजन इस घर के अंदर है, लेकिन यार ये तो लॉक है, इसको यार खोलने के लिए यार अपने को यार क्रोबार की ज़रूरत पड़ेगी। तो सामने वाली बिल्डिंग में है शायद से क्रोबार, क्योंकि लोकेशन वहीं पर दिखा रहा है। तो चलते हैं यार फटाफट से यार क्रोबार ढूंढते हैं। सामने मामा है, तो इनसे यार थोड़ा सा बच के ही चलना होगा, क्योंकि यार हिटमैन में ऐसे ही होता है यार, अगर किसी को तुम पे शक होगा तुरंत मिशन फेल हो जाता है भाई। तो अभी ये जा चुके हैं, अभी यही सही टाइम है इधर से अंदर जाने का। ओ भाई, ट्रेसपासिंग होने लगा। खैर कोई नहीं यार, ऊपर है क्रोबार, ऊपर मिल जाएगा हमें यार ऐसे सीढ़ियों के पास। तो ओके गाइस, अभी यार हम ऊपर जा रहे हैं, ट्रेसपासिंग तो हो रहा है, मतलब कोई पुलिस वाला होता तो भाई तो तुरंत पीछे पड़ जाता हो, लेकिन आसपास कोई पुलिस वाला नहीं। यहाँ पे क्रोबार मिल गया, पीछे दो बंदे हैं, बचा के निकलना भाई फटाफट से यहाँ से। तो ओके गाइस, हमको जहाँ तक लगता है कि यार मैं उसका यार ठेला खोलने के बाद, मतलब उसका फूड स्टॉल खोलने के बाद यार उसमें यार अपने को जहर मिलाना होगा उसके खाने में, और वो रॉबर्ट नॉक्स खाएँगे और वो मर जाएंगे। जहर मतलब जहर रहेगा तो भाई आदमी डेफिनेटली मर ही जाएगा। खैर यार, अभी हमें यार उस रूम की तरफ आ गए, इधर से जाना यार दिक्कत है, तो मैं उधर ही से जाऊँगा यार जो दरवाजे पर यार लॉक था। तो यार अभी क्रोबार है, इसकी मदद से हम यार दरवाज़ा ओपन कर सकते हैं। तो ओके यार, डोर को ओपन कर लेते हैं फटाफट। ओके गाइस, तो कोई दिक्कत नहीं। ओह भाई, फिर से ट्रेस पासिंग, यहाँ पे यार रेड पॉइजन पड़ा है, इसको उठा लेते हैं फटाफट से। तो ओके गाइस, अब यार हमें को जो जो यार मतलब ज़रूरत थी वो सब हमने पूरा कर लिया है, बस अपने को यार फूड स्टैंड पर चलना है और उसको यार ओपन करना है। तो यार काफ़ी मतलब मज़ेदार जगह है यार, बगल में देख लो भाई क्या सीन है, पानी पानी भाई। तो ओके गाइस, अभी हम यार आ गए हैं फूड स्टैंड पे इसके, तो इसको ओपन कर लेते हैं भाई। ओके गाइस, तो अपने पास यार जो चाबी मिली थी उस बंदे से, उसकी मदद से यार हमें यार स्टैंड तो ओपन कर लिया है। अब यार इसकी तरह खड़ा होना पड़ेगा। तो ओके गाइस, यार अब यार रॉबर्ट नॉक्स आने वाले हैं कुछ ही देर में,
तो अपने को यार थोड़ा वेट करना होगा, फटाफट से यार रेड पॉइजन यार मिला देते हैं खाने में। 47? अभी मुझे पता तो नहीं चला है क्या है भाई, लेकिन देखते हैं आगे। He's heading down to the bayside food stand selling coconut balls. ओके गाइस, तो ये कोकोनट बॉल्स है और ये छोटे छोटे यार जो बॉल्स है ना भाई, इसमें जहर मिल चुके हैं, तो यार काफ़ी मज़ा आने वाला है। और यार तड़प तड़प के मर जाएगा भाई रॉबर्ट नॉक्स। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यार, थोड़ा सा वेट करने बाद रॉबर्ट नॉक्स आ ही रहा भाई अपने स्टैंड पे। तो फटाफट से यार इसको सर्व करते हैं भाई, और देखते हैं फिर कैसे ही मतलब इसको एलिमिनेट करना होगा कि अपने आप ही मर जाएगा कि मारना पड़ेगा। तो फिर गाइस ये आ चुका है। उठाइए उठाइए खाइए यार, मज़ा आने वाला आपको। बहुत सही, एक ही बार में पूरा ले लो। हाँ एक ही बार में पूरा मुंह में ले लो। सही है, गलत मत समझना भाई, मैं लड्डू की बात कर रहा था। ओहो पेट खराब होने लगा इनका, हो रहा भाई कुछ तो असर किया भाई ये जहर। सिक्योरिटी गार्ड भी पीछे है। तो ओके गाइस अभी ये चले गए शायद से, किधर गए यार, उल्टी उल्टी करने चले गए क्या? तो अपने पास यार क्रो बार पड़ा है और दूसरा रेंच भी पड़ा है, तो अभी यार हमें यार इनको फॉलो करना होगा। मैंने ले तो लिया है रेंच हाथ में कि यार इमरजेंसी में मार के भाग सकूँ, मिशन नहीं फेल होना चाहिए भाई कुल मिला। ओके गाइस, तो इन्हें यार यहाँ पर उल्टियाँ हो रही हैं और इनका यहाँ पर एक गार्ड है, तो ये सही टाइम है यार इसको निपटा देने का गार्ड को पहले। ओ खत्म, ओह भाई क्राइम नोटिस, ये कैसे हो गया यार? ओ फक मैन, ये कहाँ से आ गया ये लौंडा? लेकिन इसको पता नहीं चला किसने मारा है, बस इसने पता चल गया मतलब कि इसको किसी ने टपका दिया। खैर इसका गला तोड़ देते हैं, जिंदा था थोड़ा सा। और इनको यार एक लात मारते हैं यार, ये तो ऑप्शन होगा ही भाई, सीधे पानी में ये लो बेबी खत्म। ओके गाइस, ओह भाई ये गलती हो रही थी अपने से। चलो यार अपना दोनों टारगेट डाउन हो चुके हैं, इसकी बॉडी यार डंप करना पड़ेगा यार अपने को, फटाफट से यार डंप कर देते हैं, ख़त्म यार। अब बहुत ही यार आसानी से हमने यार इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया। थोड़ी सी दिक्कत तो हो गई थी अंतिम में यार कि यार हम पकड़े भी जा सकते थे। तो फाइनली गाइस यार हमें यार एग्जिट पॉइंट की तरफ चलना होगा, जैसे ही हम एग्जिट पॉइंट पे पहुंचेंगे यार अपना यार मिशन पास हो जाएगा। तो यार हम आ गए हैं यार एग्जिट गेट की तरफ और यहाँ से यार हम सीधे बाहर निकल सकते हैं। तो यार उम्मीद करते हैं यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो अपना एजेंट 47 यार सेफली बाहर निकल चुका है, कोई दिक्कत नहीं हुई भाई, अपने दोनों टारगेट एलिमिनेट हो चुके हैं जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो भाई, सारा नॉक्स और रॉबर्ट नॉक्स। तो इसी के साथ यार आज का वीडियो भाई यहीं पे समाप्त करते हैं, उम्मीद करते हैं और आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।